वैसे तो अयोध्या में दिव्य और भव्य उत्सव के साक्षी कई दिग्गज बने। बॉलीवुड, खेल, उद्योग समेत कई अलग अलग क्षेत्रों की नामचीन हस्तियां यहां मौजूद रहीं। लेकिन इन सब के इतर मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का ये अंदाज जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। भगवा रंग में रंगी कंगना रनौत का भक्ति के प्रति जोश बेहद हाई था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समापन के वक्त जब हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश राम मंदिर के ऊपर की गई तो उन्होंने बुलंद आवाज में जय श्री राम का उद्घोष किया। कंगना रनौत की हिंदू धर्म के प्रति आस्था न सिर्फ उनकी आवाज में सुनाई दी बल्कि उनके कपड़ों में भी आस्था की झलक देखने को मिली। कंगना रनौत की चमचमाती साड़ी ने सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया। माथे पर बिंदी, हल्का मेकअप और ट्रेडिशनल लुक ने चार चांद तो लगाए ही, साथ ही साथ उनके भगवा रंग की ब्लाउज की स्लीव्स में स्वास्तिक के निशान ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनी कंगना रनौत की ये खूबसूरत तस्वीरें लोगों को खूब भा रही हैं। वहीं इस बीच कंगना के बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री से भी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा से पहले कंगना रनौत बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिली थी। इस मुलाकात की तस्वीरों को खुद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। कंगना ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने छोटे भाई की तरह बताया। फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, पहली बार अपनी उम्र से छोटे गुरुजी से मिली, मुझसे लगभग 10 साल छोटे हैं। मन किया कि छोटे भाई की तरह गले लगा लूं, लेकिन फिर याद आया कि कोई उम्र से नहीं कर्म से गुरु होता है। गुरुजी के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। बता दें कि रविवार को ही एक्ट्रेस ने अयोध्या में जगत गुरु राम भद्राचार्य से भी मुलाकात की थी। साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मंदिर परिसर में झाड़ू लगाती भी नजर आई थी।